हाय फ्रेंड, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आज मैं नवरात्रि स्पेशल एप्पल का बर्फी बनाने जा रही हूँ। वो इंस्टेंट है, फटाफट हो जाता है, तो स्पेशली और अफवास में भी खा सकते हैं, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। स्टार्ट करेंगे। इंग्रेडिएंट मैंने आलमंड क्रश करके रखा है, पाउडर बना के रखा है। नॉट टू मच करंट ब्रेक एंड चर, तो थोड़ा पीस रह जाएगा तो चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। छानने का नहीं, घी है थोड़ा सा, केसर मैंने भिगो के रखा है, कार्डमम, इलायची और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स है गार्निशिंग के लिए, और मिल्क मेड है। और मेन इंग्रेडिएंट्स एप्पल। एप्पल को जब भी हम बनाने वाले तभी ग्रेट करने का, पहले से वो ब्लैक हो जाता है, तो अभी हम शुरू करते हैं एप्पल को ग्रेट कर देते। वो बड़ा जो है उससे करने का, तो ज़्यादा ये नहीं होता। मैंने एप्पल को पील करके रखा था, अभी कभी पहले से करने का होता तो उसको लेमन लगा के रखना पड़ता है, लेकिन अभी हम जो स्वीट बनाने जा रहे हैं इसलिए मैंने लेमन नहीं यूज़ किया। अभी स्टार्टिंग से ही, मतलब बनाने का टाइम पे मैंने फील किया। फिर स्टार्ट करते हैं। छोटा टीस्पून घी डालने का, घी में हम थोड़ा सौते करेंगे एप्पल को, क्योंकि हम लोग शक्कर नहीं डालने वाले हैं, मिल्क में डालेंगे, मतलब कंडेंस मिल्क डालेंगे। अभी रख देते हैं उसमें। थोड़ा ये करेंगे, सौते करेंगे, क्योंकि उसका जो जूस है ना वो थोड़ा, और एप्पल थोड़ा पक जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और एक गिलास से ऐसा थोड़ा उसको प्रेस करने का, तो जल्दी हो जाता है। हिलाते रहने का, जो हो सके तो नॉन स्टिक में ही करो, नॉर्मल पेन में भी प्रॉब्लम नहीं है कुछ ना। और हो सके तो जूसी एप्पल लेने का, जो दूसरा आता है वैसा नहीं लेने का, जो जैसा पाउडर जैसा होता है उसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता है उसका। कंडेंस मिल्क के, मतलब मिल्क का वो मिल्क पाउडर और शुगर भी डाल सकते हैं, ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आता है कंडेंस मिल्क डालते हैं तो, उसका टेस्ट भी थोड़ा ऐसा ही लगता है, अच्छा लगता है।
जिसको थोड़ा क्रंच पसंद नहीं है एप्पल का, तो वो एकदम बारीक फल वाला उससे ग्रेट करे। ये ऑलमोस्ट हमारा एप्पल का जो पल्प है वो ड्राई होने वाला होने लगा है। जैसे दूधी के हलवे में जैसे दूधी का थोड़ा 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 ऐसा ग्रेटेड दिखता है, पानी भी थोड़ा ऐसा हो गया है, उसका जूस जो है वो भी ड्राई हो गया है, एप्पल भी पक गया है। अभी हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। मैंने एक एप्पल लिया है, करीबन टू एंड हाफ टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ले लेना। आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बाइंडिंग के लिए और आलमंड का पाउडर मैंने किया है, तो आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे कम डालेंगे तो, लेकिन अपना कितना स्वीट मांगता है वो हिसाब से थोड़ा डालना पड़ता है। इसमें हम डालेंगे आलमंड पाउडर एक। अब तो चेक करने का बाइंडिंग जैसा हो जाता है इतना डालने का, मतलब एक एप्पल में ज़्यादा से ज़्यादा तीन टीस्पून ज़्यादा है। अभी हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, वो अपना टेस्ट के हिसाब से डालने का, और सैफ्रन जो मैंने भिगो के रखा है वो भी डाल दूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक एप्पल में मैंने 3.5 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डाला है। मैंने यूज़ वो जो अमूल का आता है मिल्क में, वही यूज़ किया है। थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, पिस्ताच आलमंड को अंदर डाला है इसलिए मैंने ऐसा नहीं कर लेता है। हमारा बर्फी तैयार, थोड़ा और कार्डमम पाउडर डाल दी है। देखो अभी ये ड्राई हो गया, थाली में मैंने घी से थोड़ा ग्रीस किया है, और इसमें आप थोड़ा ग्लेज के लिए घी डालने का है तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है लेकिन आप डाल सकते हैं, पसंद है तो डाल सकते हैं। अभी इस स्टेज पे हमारे ड्राई हो गया है मिक्सर। अब
अभी हम इसको निकाल देंगे इसमें। मेजरमेंट का इतना जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि चलो अभी एक बाइंडिंग हो गया है, बर्फ जैसा हो गया है, बस उतना ही काफी है। पीस करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आप ऐसे कम से कम एक घंटा तो बाहर रख के आप पीस कर सकते हैं, तो खाने का तो इंस्टेंट खा सकते हैं। थोड़ा प्रेस करने का स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा। पिस्ता जो है थोड़ा क्रिस्पी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा कार्डमम स्प्रिंकल करेंगे, और हमारा बर्फी एप्पल बर्फी रेडी हो गया है। अभी कितना फटाफट हो गया, क्योंकि हमने वो एप्पल में कुछ ऐसे शुगर डाला नहीं, तो एकदम कंडेंस मिल्क से फटाफट हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आई थिंक सो यू लाइक इट एंड ट्राई फॉर नवरात्रि। बाय बाय।